हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज हम कई बार देख चुके हैं, अभिवृत्ति में जो परिवर्तन है इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। बट दैट फिनोमिना व्हेन इट अकर्स इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, और उन सभी फैक्टर्स में से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट आर बीन डिस्कस्ड हियर। आप देखें, एक छोटी सी इमेज है जो मैंने twitter.com से ली है, एटीट्यूड ट्वीट से मैंने ली है। एटीट्यूड्स इज एवरीथिंग। अब जैसे मैंने बताया था, विलियम जेम्स ने कहा था कि अगर हम एटीट्यूड बदल लें तो वी कैन चेंज आवर लाइफ। सो नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड चेंज। अब इस एटीट्यूड में कई चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे जो हमारे एग्जिस्टिंग एटीट्यूड हैं, हमारा टारगेट है, सोर्स है, योर डायरेक्शन ऑफ एटीट्यूड, कॉन्ग्रुएंसी एंड इनकॉन्ग्रुएंस ऑफ एटीट्यूड, इन सभी को मैं करके अभी आज डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस सी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, यानी कि हमारे मन में पहले से जो एटीट्यूड बना हुआ है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, और वो विशेषताएं भी एटीट्यूड परिवर्तन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दे ऑल्सो इम्पैक्ट द इन्फ्लुएंस, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड चेंज। लेट अस सी फर्स्ट, जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं यानी जो धनात्मक हमारी अभिवृत्तियाँ होती हैं उनको बदलना आसान होता है नेगेटिव एटीट्यूड की तुलना में। पॉजिटिव एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दो दोस्तों की बहुत पुरानी दोस्ती है, किसी ने कोई तीसरा आदमी आके उनके बीच में कह देता है कि आपके इस दोस्त ने ऐसे ऐसे गलत काम किया हुआ है और आपने ऐसे इंसान से दोस्ती कर रखी है, तो देखिए उन दोनों के बीच की जो पॉजिटिव दोस्ती है उसमें कुछ दरार सी उत्पन्न हो जाती है। अगर दरार नहीं उत्पन्न होती है तो भी उस व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ शक उत्पन्न होता है, लेकिन अगर दो चीज़ों के बीच में नेगेटिव एटीट्यूड है, और जैसे कि आप कह सकते हो टेररिज्म और ह्यूमैनिटी के बीच में जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, टेररिज्म हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई नहीं, अभी देर आर टू टाइप ऑफ टेररिज्म, जैसे कुछ वेस्टर्न पावर्स ने उसको डिस्कस किया है कि गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, तो वो एक आप कितना भी गुड कह लो उसको, द नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसके बीच में वो नेगेटिव रहेगा, उसको बनना चेंज करना बहुत मुश्किल है। आप नेक्स्ट देखते हैं लेस एक्सट्रीम, यानी जो ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं जिनकी चरम सीमा काफ़ी कम होती है या वो उनको बदलना काफ़ी आसान होता है बजाय जो एक्सट्रीम एटीट्यूड्स के। एक्सट्रीम एटीट्यूड का आप देखोगे हमारे देश में बहुत से लोगों के मन में नॉन वेजिटेरियन के भी प्रति जो है एक एक्सट्रीम एटीट्यूड है कि वो बिल्कुल ही उसको पसंद नहीं करते और उनको बदलना बहुत मुश्किल है, जबकि लेस एक्सट्रीम के बारे में आप कह सकते हो कि दैट एटीट्यूड इज इजियर टू चेंज देन दी लेस एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम एटीट्यूड्स। दिस मीन्स नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट। अब आप देखते हैं कि सिंपल, यानी कि जो सरल एटीट्यूड्स होते हैं जो आसानी से बन गए होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं, उनको बदलना मल्टीपल एटीट्यूड्स की तुलना में काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट देखेंगे पेरिफेरल, पेरिफेरल मीन्स लेस सिग्निफिकेंट, यानी कम महत्वपूर्ण एटीट्यूड। किसी भी चीज़ के बारे में आप देखते हैं कुछ हमारे एटीट्यूड्स बने होते हैं, कुछ पेरिफेरल एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ सेंट्रल एटीट्यूड होते हैं, यानी केंद्रीय या काफ़ी महत्वपूर्ण एटीट्यूड या अभिवृत्तियाँ। पेरिफेरल एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप देखेंगे कि मार्केट में आप जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं स्वच्छता के बारे में उनका जो एटीट्यूड एक पेरिफेरल का होता है, वो अपने अपने दुकान के सामने जो है कचरा फेंकते रहते हैं और आप देखेंगे झाड़ू लगाकर और रोड के बीच में ही छोड़ देते हैं उस कचरे को, ये पेरिफेरल एटीट्यूड है। इसको जो बदलना है इट इज़ वेरी वेरी इजियर, क्योंकि अगर उनको इसकी महत्ता को समझाए कोई, और जैसे स्वच्छता भारत अभियान चल रहा है तो उसके तहत इन लोगों के इस एटीट्यूड को बदलना काफ़ी आसान है। और केंद्रीय महत्वपूर्ण, अब उन दुकानदार को फिर एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रॉफिट के प्रति उनका जो मेन एटीट्यूड होता है दैट इज प्रॉफिट। कुछ ये सभी नहीं होते हैं, मैं सभी की इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादातर ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड है प्रॉफिट कमाना। अगर किसी को कहे कि यार आप कुछ ह्यूमैनिटी के लिए भी, कुछ मानवता के लिए, कुछ समाज के लिए भी आप कुछ करो, तो उसके में उनके जो एटीट्यूड में बदलाव है वो काफ़ी मुश्किल से उसमें आता है। यहाँ पर मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, ये मात्र एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो समाज की सेवा करते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पूर्ण रूप से स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। तो इस चीज़ को केवल मात्र आप इसी बात से लिया जाए कि मैंने पेरिफेरल और सेंट्रल एटीट्यूड्स अपने जीवन से संबंधित जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, इसलिए ऐसे मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अब आगे देखते हैं कि डायरेक्शन एक्सटेंट ऑफ एटीट्यूड, डायरेक्शन मतलब होती है दिशा और एक्सटेंट माने किस सीमा तक वो जा सकता है।
आप देखेंगे कि इसमें दो टाइप की बातें आती हैं, कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट चेंज, यानी कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज यानी संगतता, यानी इसका अर्थ है अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है और आपको उसके बारे में कुछ और सूचना मिलती है तो वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, और नेगेटिव है उसके बारे में कुछ और नेगेटिव मिलता है तो वो और नेगेटिव होता चला जाएगा। इस टाइप का एटीट्यूड यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव बढ़ते चले जाना, नेगेटिव से नेगेटिव बढ़ते चले जाना, ये एक कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज का उदाहरण होगा। मान लिया जाए जैसे कि महिलाओं के स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बात आती है कि अभी अभी रिसेंटली आपको देखा होगा कि हमारे ओलंपिक्स में साक्षी मलिक जो है ओलंपिक्स में कुश्ती में वो मेडल जीत के आई थी। तो स्पोर्ट्स के प्रति जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति का स्पोर्ट्स के प्रति, महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है और उसमें फिर साक्षी मलिक ने एक जो है हमारा मेडल जीत लिया है, तो आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज। अब आप देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे इनकॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज, यानी कि पॉजिटिव बिकम्स लेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम्स लेस नेगेटिव। दिस मीन्स जो एटीट्यूड चेंज है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें एक राजस्थान की महिला है, आप देखेंगे कि वो बस की ड्राइवर है, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से अगर हमारे मन में ये है कि भाई महिला अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो, ठीक है। अब लेकिन ये कैसे होता है, अब हमने देखा कि जब अपने गाँव से वो निकल रही थी तो उसने घूंघट निकाल लिया, यानी शी वॉज ड्राइविंग द बस फुल ऑफ पैसेंजर्स विद घूंघट, अब वो ऐसे बस चला रही थी। अब आप देखेंगे कि जो आपका उन महिलाओं के प्रति ड्राइविंग के प्रति जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। लेकिन इसमें इनकॉन्ग्रुएंसी कब आती है, इनकॉन्ग्रुएंसी तब आती है जब कोई और ये सोचने लगे यार अब तो महिलाएं भी जो है ड्राइवर बनने लगी हैं और हमारी नौकरी खतरे में आ गई है, वो हमारी जगह ले सकती हैं। इससे क्या होगा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड था वो लेस पॉजिटिव हो जाएगा उनकी तरफ, और इसी प्रकार से नेगेटिव का भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट पॉजिटिव, इनकॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज। अगला पॉइंट आता है एटीट्यूड चेंज ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये सोर्स की जो मुख्य बात हुई थी टू स्टेप मॉडल में की थी एस एम मोहसिन साहब ने, जिन्हें बताया था कि टारगेट और सोर्स दो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी एटीट्यूड चेंज के, हम उसी सोर्स यानी उसी स्रोत की बात कर रहे हैं। ये क्रेडिबिलिटी यानी सोर्स की जो क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एटीट्यूड चेंज में। एटीट्यूड चेंज इजीली व्हेन द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव सोर्स। एक तो कोई भी आम व्यक्ति कोई भी काम करता है और एक कोई बहुत ही क्रेडिबल और विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उससे अगर हमारे पास सूचना आती है तो एटीट्यूड चेंज बहुत आसानी से होता है। इसको आप हिंदी में समझिए, अर्थात एक विश्वसनीय व्यक्ति से आई सूचना अभिवृत्ति में आसानी से परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण आप दे सकते हैं, जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वयं झाड़ू लगाया था और एक आम आदमी रोज झाड़ू लगाता है रोड के ऊपर, उसका लोगों पर कोई असर नहीं होता यानी बहुत कम असर होता है, लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर दिखाया तो उसका असर लोगों पर बहुत गहरा हुआ, बहुत लंबा हुआ, जिससे बहुत हमारे अच्छे परिणाम आए हैं। और यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों में एटीट्यूड में काफ़ी परिवर्तन आया है, यानी हम कह सकते हैं कि दिस मीन्स एटीट्यूड चेंज आल्सो ड्यू टू द क्रेडिबिलिटी एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सोर्स। नेक्स्ट देखते हैं एटीट्यूड चेंज ड्यू टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास सूचना मिलती है, जो हमें मैसेज मिलते हैं उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर भी एटीट्यूड में बदलाव आता है। अब किसी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन में दो प्रकार की अपील हो सकती है, जिसको हम रैशनल अपील कह सकते हैं या तर्क संगत अपील जिसमें तर्क दिया जाता है, या इमोशनल अपील या जिसमें सांवेगिक यानी इसमें भावनाओं को आपके शुरुआत किया जाता है, यानी भावनाओं को आपको उजागर किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। अब आप देखेंगे कि अगर कोई भी मैसेज कोई भी सूचना जिसके अंदर इमोशनल अपील होती है वो एटीट्यूड चेंज करने में ज़्यादातर काफ़ी कारगर साबित होती है। दिस मीन्स इमोशनल अपील हेल्प्स इन चेंजिंग एटीट्यूड ईजियर देन दी रैशनल अपील। एग्जाम्पल आपका हम दे सकते हैं, मान लिया जाए हम आपको कहते हैं कि डेली आप रनिंग करो, भाग दौड़ करो, हेल्थ के प्रति आप बहुत कॉन्शियस रहो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखो, इससे क्या होगा आपका पैसा बचेगा और पैसा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आप डॉक्टर से जाने से बचेंगे। इस सूचना के अंदर रैशनल अपील है, तर्क दिया गया है कि हमें क्यों हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। अब इसी मैसेज में आप देखिए इमोशनल अपील, इस मैसेज के अंदर सांवेगिक या इमोशनल अपील क्या हो सकती है, मानिएगा कि रोज आप फिजिकल एक्टिविटी करें
हेल्थ को मेंटेन करें, लगभग आधा घंटा आप रोज एक्सरसाइज करें और इसमें साथ साथ योग करें, प्राणायाम करें, इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ तो ठीक हो गई होगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके परिवार में शांति बनी रहेगी, आपका पैसा बचेगा जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपके बहन की शादी में काम आएगा, आपकी स्वयं की शादी में काम आएगा, आप किसी की उस पैसे से मदद कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें तर्क काफ़ी कम है, लेकिन इसके अंदर इमोशंस, भावनाओं का एक मिश्रण कर दिया गया है, यानी इसमें इमोशनल अपील ज़्यादा है, तो ऐसे संदेश का एटीट्यूड चेंज करने में ज़्यादा असर होता है बजाय रैशनल अपील के। अभी आप देख नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि जो संदेश होता है उसमें कुछ अभिप्रेरक होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं, उनका भी मोटिव्स और मीडियम्स का, यानी किस प्रकार से, किस माध्यम से आपके पास सूचना आई है, दिस मीन्स मोटिव एंड मीडियम, अभिप्रेरक और माध्यम ऑफ इन्फॉर्मेशन आल्सो हेल्प्स इन एटीट्यूड चेंज। देखिए मोटिव का मतलब है अभिप्रेरक, इसका उदाहरण लीजिए, हम कहते हैं कि भाई सहज पके सो मीठा होए, ये अभिप्रेरक है, यानी कि जो काम आप आराम से स्टेडीली करेंगे, समझ के करेंगे, उसका परिणाम बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट और मीठा आएगा। इसमें अभिप्रेरणा दी गई है आपकी कि अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए, मीठा परिणाम चाहिए, आपके अनुरूप परिणाम चाहिए, तो आपको लगातार सस्टेन्ड मेहनत करनी होगी। और माध्यम का उदाहरण देखिए, जैसे कि आपको एक सूचना मिलती है अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और वही सूचना आपको वीडियो के माध्यम से मिलती है, तो दोनों में आपका एटीट्यूड बदलने में काफ़ी अंतर होता है। और फिर देखिए वही सूचना आपको आमने सामने दी जाती है तो वो और कारगर साबित होगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण ने मात्र 45 मिनट में गीता का संदेश दे के अर्जुन का जो एटीट्यूड था युद्ध के प्रति पूर्ण रूप से बदल दिया था। वो अर्जुन जिनके गोद में खेला था, जिनके आशीर्वाद से उसने धनुर्विद्या पाई थी, बहुत बड़ा धनुर्विद्या उसने सीखी थी, धनुर्धर बना था वो लोग जिसके आशीर्वाद से, वो लोग जिसकी उंगली पकड़ कर उसने चलना सीखा था, उनको मारने के लिए वो तैयार हो गया था युद्ध में, उनसे युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गया था। कारण आमने सामने का जो सूचना उनको दी गई थी, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई थी श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि जो सूचना आती है उसका मोटिव और मीडियम दोनों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एटीट्यूड के परिवर्तन में। अब आप देखते हैं नेक्स्ट, देखिए एटीट्यूड चेंज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट, यानी वो लक्ष्य जो एटीट्यूड बदलना चाहता है वो व्यक्ति, फिर वही बात आती है टू स्टेप मॉडल में, मैंने जैसे इसकी चर्चा की थी कि डॉक्टर मोहसिन ने बताया था कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं एटीट्यूड के चेंज के, जैसे टारगेट और सोर्स। यहाँ पर टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, जिस व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड चेंज हमें करना होता है, तो उसके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी एटीट्यूड चेंज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए अगर एटीट्यूड जो टारगेट है, लक्ष्य है, जो व्यक्ति है उसका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान उसके अंदर कम है, तो एटीट्यूड उसका आसानी से बदल जाएगा, बजाय उसके जिसका आत्मसम्मान उच्च होता है, यानी हाई सेल्फ एस्टीम जिसका होता है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, पीपल विद लेस कॉन्फिडेंस, ये फिर टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। पीपल विद लो कॉन्फिडेंस और लेस कॉन्फिडेंस चेंजेज एटीट्यूड इजियर देन हाई कॉन्फिडेंस पीपल, यानी जिन लोगों में उच्च आत्मविश्वास होता है उनके बजाय कम आत्मविश्वास वाले लोग एटीट्यूड को आसानी से बदल लेते हैं। अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि यही बात है, कम बुद्धिमान, जिनके थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू स्कोर कम होता है, वो उन लोगों की तुलना में जिनका आईक्यू स्कोर ज़्यादा हो या उच्च बुद्धिमान या हाई इंटेलिजेंट होते हैं वो जल्दी ही अपने एटीट्यूड में परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरी बात, एक इसमें एक अपोजिट भी बात आती है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जो हाई इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोग तर्कसंगत सूचना यानी रैशनल थिंकिंग और एक अच्छी सूचना के माध्यम से विलिंगली अपने इच्छा से जल्दी एटीट्यूड में बदलाव कर लेते हैं। यानी कि जब एटीट्यूड चेंज में विलिंगनेस की बात आती है तो जो हाई इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो आसानी से एटीट्यूड में परिवर्तन कर लेते हैं, तुलना में किनके, जिनके इंटेलिजेंस कम होती है। तो आज हमने कुछ चर्चा की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने जो इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज इन्फ्लुएंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इससे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है वो उसको मैंने लिंक दिए हुए हैं, आपको परसेप्शन को समझना है तो आप इस लिंक पर जाकर क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो मिल जाएगी। एटीट्यूड मीनिंग डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का ये लिंक है, इसी प्रकार से फंक्शन डेवलपमेंट का ये है, पीओक्स मॉडल यानी फ्री शेडर के मॉडल का ये लिंक है, सीडीटी लियोन फेस्टिंगर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के मॉडल का ये लिंक है, और टू स्टेप मॉडल एटीट्यूड चेंज का ये लिंक है, और
इस तरह से आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। एटीट्यूड का जो बीए सेकंड ईयर का 3 यूनिट्स का आज ये लास्ट वीडियो है और इसी के साथ आपका धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनसीईआरटी टीम को, जहाँ से मैंने इन कंटेंट्स को लिया है, जिन्होंने ये मैंने कंटेंट्स लिए हैं मनोविज्ञान की प्लस टू की चैप्टर नंबर 6 किताब से लिए हैं। आप भी इन कंटेंट्स को वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी की टीम को, जिन लोगों ने इन कंटेंट्स को डेवलप किया। साथ साथ में मेरा नमन है, आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रेजेंटेशन ट्यूब टीम, जिन्हें मुझे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं अपनी वीडियोज प्रेजेंटेशन के साथ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मेरा मुझे आशा है कि टीम जो है ऐसी हमें सपोर्ट करती रहेगी और साथ साथ में प्रेजेंटेशन ट्यूब को जनरेट करने वाले लोगों को मेरा सलाम। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।